आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि अपने कार का सॉकअप सर, जिसको बोलते हैं सॉकअप, कोई बोलता है सॉकर भी, इसको चेक कैसे करते हैं ये बताने वाले वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखना। ये हमारे पास वैगन आर कार, तो इसका पहले हम व्हील बैरिंग चेक करेंगे। देखो, व्हील बैरिंग चेक करने के लिए पहले टायर को घुमाएंगे और उसके बाद इसके सॉकअप सर में हाथ लगा के चेक करेंगे। अगर व्हील बैरिंग मतलब ख़राब होती है तो इसमें वाइब्रेशन होता है। जैसे ही हम टायर को घुमाते हैं, जैक लगा करके टायर को घुमाएंगे और सॉकअप सर में अपना हाथ, एक हाथ लगाएंगे और दूसरे हाथ से टायर घुमाएंगे, तो सॉकअप सर में वाइब्रेशन होती है। तो समझ में आ जाता है अपने को कि व्हील बैरिंग गई है, या तो फिर रोड में चलते हुए जैसे गाड़ी चल रही है अपनी साइलेंट, उसमें कहने का मतलब एकदम अच्छे से रोड में जिसमें खड्ढे ना हो उसमें अगर चल रही है लेवल तरीके से, तो अजीब सी आवाज़ आती है। अगर आवाज़ ऐसी आती है तो व्हील बैरिंग गया है। दूसरा ये कि इसका सॉकअप सर कैसे चेक करें, सॉकअप सर का माउंट ख़राब है या सॉकअप सर की जो रिफिल आती है वो ख़राब है। तो ये देखो, ये वीडियो में दिखा रहे, ये नीचे से उठाते हैं। अभी ये क्या दिखा है, ये समझा है हमको, समझ में आ रहा है। इसका जो माउंट होता है ना, माउंट किट, ये इसका ख़राब हो चुका है। और दूसरा ये, अब इधर से देखते हैं अंदर साइड से, इसमें क्या क्या ख़राबी है। ऊपर से जो दिख रहा है हमको, इसमें देखो जैसे ऊपर की तरफ उठाते हैं ना, तो इसमें प्ले है, ये प्ले नहीं होनी चाहिए। ये जो देखो, गौर से दिखाने की कोशिश कर रहे, ये देखो जो इसमें प्ले है ना, नीचे से टायर को पकड़ के ऊपर की तरफ उठाया जाता है फिर छोड़ा जाता है। तो इससे समझ में आता है कि इसका प्ले आ गई, तो समझ लेना इसका सॉकअप सर का जो माउंट है वो ख़राब हो चुका है। तीसरा ये जो इसमें सॉकअप सर में देखो, ये ऑयल लीकेज है, तो इसका जो रिफिल है ना वो ख़राब हो चुका है। ये जो ऑयल सील होती है ना इसके अंदर, वो ऑयल सील फट चुकी है, जिसके थ्रू ये ऑयल बाहर आ चुका है। तो ये सॉकअप सर ना खड्ढे में बहुत पटकेगा, जो गड्ढे होते हैं वहाँ बहुत पटकेगा, और जैसे ही गाड़ी ज़्यादा गड्ढे में जाएगी तो और तेज़ से पटकेगा और ये ऑयल और भी बाहर आएगा। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा ही आया है। तो ये सॉकअप सर जैसे ही हम ऊपर से उठाएंगे, ये ऊपर की तरफ है ना, ये अप डाउन होता है, इसको नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये जो माउंट होती है इसके अंदर रबर का लगा रहता है माउंट, अगर ये ख़राब हो जाता है तो गाड़ी गुड़गुड़ करके पटकती है, और ये सिर्फ ख़राब होता है तब। और जैसे ज़्यादा ख़राब होता है, जब गाड़ी ज़्यादा पटकने लगती है, तो समझ जाना कि आपका सॉकअप सर लीकेज हो गया है, या तो फिर अंदर से बैठ गया है, वो दब चुका है। तो अगला है ये फाउंडेशन बोलते, या इसको भी माउंट बोलते या माउंटेन बोलते, फाउंडेशन बोलते इसको। तो ये इसका क्या काम रहता है, ये इंजन और गेयरबॉक्स को दोनों को सपोर्ट रखती है, ताकि वाइब्रेशन और इंजन झूला ना झूले, कहने का मतलब एक ही जगह स्थिर रहे। तो ये नीचे का जो माउंट है, ये इसका जो फाउंडेशन है वो ख़राब हो चुका है, ये पूरी तरीके से बाहर हो चुका है। इसको कैसे मालूम करेंगे, जब झटके से गाड़ी उठाएंगे या झटके से गाड़ी पीछे लेंगे तब ये आवाज़ मारता है, या तो फिर कभी कभी खड्डे में ज़्यादा ज़ोर से पटकती है जब ये आवाज़ खट से मारता है, एक ही आवाज़ मारेगा खट से, और या तो जब भी गाड़ी फर्स्ट गियर पे उठाएंगे तो आवाज़ मारता है, या रिवर्स में लेंगे तो आवाज़ मारता है। ये जब भी इस चीज़ का प्रॉब्लम रहता है, जो फाउंडेशन है ये प्रॉब्लम रहता है इसका, ये गया हुआ रहता है। और खड्डे में जब भी गाड़ी पटकेगी, जब भी गड्ढे में गाड़ी पटकेगी, तब समझ जाना आपका सॉकअप सर में प्रॉब्लम है, या तो उसका माउंटिंग गई है या तो फिर और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो।